The pressure is always there. Of course, Telugu Warriors are playing at home. Going to be Raghu once again, coming in for his second over. Well, if they win the final, they will also be the first team in this format and this particular series to win the title thrice in a row. And Ajay, a while back you were talking about the fact that they're actors who are playing cricket, so it's an uphill task for them whenever they come onto the field. Perhaps in response, one should make a movie which only has cricketers as actors. What say? Played in the gap. We'll come back to that. Meanwhile, that's played in the gap. Good effort. Just sliding in. I think he's done a good job. Might be referred as well. Probably just pushing the ball in. But I think he's done a good job. Let's see what transpired. Just sliding in. Just pushing the ball in. He's done a good job. His foot touching the skirting after that. Once he pushed the ball in, he's done a good job out there. Well, Raghu is the go-to man. Opened the innings with the ball and has given breakthrough to the captain whenever he's asked for it. And that's punched away for a simple single. And running between the wickets is perhaps the most important thing a team can do when it comes to getting the runs. And Vinita, we were asking a question, if cricketers are acting, तो मुझे लगता है कि ज्यादा क्रिकेटर्स जो हमने देखा है ज्यादा सफल हुए नहीं है. अगर आप पिक्चरों की बात करें, वो एक अलग आर्ट है, एक अलग कला है. अगर ऐसी मूवी बनती है अजय, तो हीरो मैं ही हूंगा. सपोर्टिंग कास्ट में सुनील जोशी, रमन बनोट और अजय मेहरा. देखिए, वहां ना पे ना आपने टॉस करना है ना पिच रिपोर्ट करनी है, तो वहां पे जो कला है वो अलग प्रकार की है. और ये आखिरी गेंद पावर प्ले की, और ये वाइड गेंद, इशारा और एक रन मिलता हुआ. बहुत जरूरी है यहां पर एक साझेदारी का अपना. नौ की साझेदारी है, पर पावर प्ले की समाप्ति होने वाली है और जो रन्स हैं स्कोरबोर्ड पर वो अनिवार्य नहीं है. रन रेट बढ़ाना होगा, बड़े शॉट्स खेलने होंगे. आखिरी गेंद और ये कोशिश करी पंच करने की पॉइंट की तरफ, और क्रॉसेस द बाउंड्री फॉर वेलकम रन्स एट द एंड ऑफ थ्री ओवर्स 18 for 1. जो है काफी है, ऊर्जा से भरे हुए, उत्तेजित नजर आ रहे हैं. पिछले ओवर की अब अंतिम गेंद, बढ़िया शॉट, गैप में खेला, गेंद हवा में थी पर फील्डर से काफी दूर. और ये क्षमता है राजीव में, जो लेंथ है बहुत जल्दी पिक करते हैं, फ्रंट फुट पे हो या बैक फुट पे हो, काफी सक्षम नजर आते हैं. टेक्निक बहुत बढ़िया है. और ये जो जोड़ी है विनी, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, अहम जोड़ी है. अरुण बेनी को भी आपने देखा, अच्छी फॉर्म में है. राजीव, उनमें क्षमता है कि गियर बहुत जल्दी बदल सकते हैं. कयूम, गेंदबाजी में परिवर्तन. पहली गेंद चौथे ओवर की, और संयम और साहस से काम लेना होगा यहाँ पे. पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाए, रनों का इजाफा करना है अगर, और अगर एक अच्छे टोटल तक पहुंचना है तो इनको यहाँ पर एक नॉच ऊपर करनी ही होगी अपनी गेम. अजय ठीक है, राजीव में ना वो विश्वास झलकता है जब भी मैं इनको देखता हूं. देखिए, क्रिकेट है, क्रिकेट में आप आउट हो भी सकते हैं, पर इनकी जो बल्लेबाजी है ना उसमें वो आत्मविश्वास झलकता है. और बढ़िया गेंद अंदर आती हुई, बहुत ही नजदीकी मामला. बैकफुट पे गए थे यहां पे राजीव, थोड़ी दुविधा में नजर आए. कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे आप अजय, और आत्मविश्वास से लबरेज है ये खिलाड़ी. अंपायर की कॉल, नॉट आउट. हताश होंगे बॉलर खयूम, काफी एनिमेटेड नजर आ रहे हैं, जैसे अपनी मूवीज में लगते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ा एम्पायर पर. और बहुत जरूरी है यहां पर एक ब्रेक थ्रू और निकालना. रनों की गति में अगर विराम नहीं लगा तो मुश्किल हो सकती है. और ये फिर कोशिश करी एक बड़ा शॉट खेलने की, सफलता मिली एक रन लेने की. लाइन है अगर आप देखें, मिडिल ऑफ पे रख रहे हैं, जानते हैं दोनों बैट्समैन ऑन साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सक्षम है. और अगर आप फील्ड देखें ऑन साइड पे, तो कुछ खिलाड़ी डीप में है, कुछ बाउंड्री राइडर्स हैं. आप देखिए, डीप स्क्वेयर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, दोनों बैट्समैन पसंद करते हैं उस क्षेत्र में खेलना.
कई बार अक्रॉस लाइन हमने देखा कल भी राजीव को खेलते हुए कोई शॉट, तो एक रणनीति यहां पे बनाई है, योजना बनाई है और उस पर अमल कर रहे हैं जी। रणनीति के साथ जुट कर रहने की बहुत बहुत बड़ी दरकार है अभी, क्योंकि ये छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, फाइनल है। और ये कलेक्ट करने में थोड़ी चूक हुई और मिस किया एक और अपॉर्चुनिटी को। ये मौका था स्टंपिंग का, थोड़ा आगे निकल गए थे, अपना जो संतुलन है वो भी खो बैठे थे राजी। ओ गेंद आई नहीं, मौका था स्टंपिंग का, चूके। और ये मौके कई बार बहुत अहम रहते हैं, ये विकेट एक बड़ी विकेट होती अगर मिल जाती जल्दी राजीव की। जी बिल्कुल सही कहा, आत्मविश्वास की बात कर रहे थे अजय और वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। और ये फिर कोशिश करी और एम्पायर नॉट इंप्रेस्ड विद दैट पर्टिकुलर कॉल, दैट वाज द पेनल्टिमेट बॉल ऑफ द फिफ्थ ओवर। एंड एट दिस रेट दे नीड टू एटलीस्ट रीच द 100 मार्क इफ दे वांट टू इंटिमिडेट द ऑपोजिशन एंड विन दिस फाइनल। रिमेंबर दे प्लेइंग अगेंस्ट द केरला स्ट्राइकर्स हु आर वेल ग्राउंडेड इन फ्रंट ऑफ देयर होम क्राउड इन देयर कंफर्ट जोन। And the last ball of the fourth over, and Arun and Rajiv are trying to take these innings. Well, that's plucked towards point and will be intercepted by the fielder and will take the, oh, a misfield. Will it? Well, they come for another one, and at the end of four overs, it's 25 for one. Four overs, guys, and the Kerala Strikers score 25 off the 40.